Hello friends, now we are going to solve question number 4, exercise 5F. Now let's come to the point first. Point first is, in the following pattern, draw the next two figures. मतलब pattern बनाया हुआ दिया हुआ है, इसे में अगला दो figure, दो pattern बनाना, ठीक है? इस pattern का दो figure. क्या होगा देखिए यहाँ पर ये two mastic cube हुआ, ऐसे करके बना हुआ है ये. एक horizontal line, एक perpendicular line. Means एक मैस्टिक के हॉरिजॉन्टल एक परपेंडिकुलर. यहाँ देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मैस्टिक है, वन टू. यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर, फोर नंबर ऑफ मैस्टिक, ठीक है? तो ये वाला जो फिगर है इसको रिपीट किया है इसके बगल में, ठीक है? यहाँ पर देखिए कितने नंबर ऑफ मैस्टिक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. यहाँ टू है, टू प्लस टू फोर, यहाँ पर फोर है, प्लस टू यहाँ पर सिक्स है, प्लस टू यहाँ पर ये प्लस टू, मतलब दो दो मैस्टिक बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्या होगा, इससे यहाँ पर भी दो बढ़ेगा, ठीक है? प्लस टू, तो पैटर्न अभी नहीं बनेगा. पैटर्न यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, तो हम इसे इसे एज इट इज बता रहेंगे, ठीक है? ये एज इट इज हो गया, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है? अब दो दो मैस्टिक इसी तरह का पैटर्न और लिखेंगे यहाँ पर, बनाएंगे तो ये देखिए हो गया सेवन एट, ठीक है? तो ये इसके नेक्स्ट वाला पैटर्न ये होगा. अब इसके दो पैटर्न हमें बनाना है, ठीक है? टू फिगर बनाना, वन फिगर हो गया, एक और फिगर बनेगा तो इसमें टू प्लस पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर बनाते हैं वन टू थ्री फोर फाइव. देखिए यहाँ पर वहाँ एट है, एट नंबर ऑफ मैस्टिक, यहाँ पर टेन होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. ये देखिए ये लाइन थोड़ी बनी, हाँ. अब देखिए ये बन गया नेक्स्ट टू फिगर, कौन कौन सा है? एक ये वाला है और एक ये वाला है. नंबर आपको नहीं लिखा, नंबर में लिखा हूँ समझाने के लिए आपको कि दो दो नंबर ऑफ मैस्टिक बड़े हैं हर स्टेप में. देखिए यहाँ दो बड़े हैं, दो बड़े हैं, दो बड़े हैं, यहाँ पर दो बड़े हैं. आपको नंबर नहीं लिखना, आपको सिंपल फिगर बनाना है, ठीक है? इसके बाद वाला फिगर ये बना देना, फिर उसके बाद वाला फिगर ये बना देना, मतलब कि दो मैस्टिक और जोड़ना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल. यहाँ देखिए ये पहला फिगर बना कि दो मैस्टिक और जोड़ा गया. यहाँ पर देखिए ये फिगर है, देखिए इधर यहाँ दो मैस्टिक और जोड़ा गया, तो ये नेक्स्ट फिगर होगा. फिर इसका नेक्स्ट क्या होगा, ये सेम एजिटिव बनाना है. यहाँ तक देखिए यहाँ देखिए सेम एजिटिव है कि दो मैस्टिक और जोड़ा. इसी तरह नेक्स्ट फिगर जितना भी पूछेगा आपको बनाना है. यहाँ टू फिगर पूछा, मैंने टू फिगर बना दिया, वन एंड टू. इस पर नंबर नहीं लिखा है, नंबर मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए. नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज गिवन, कंस्ट्रक्ट टेबल टू डिस्क्राइब द फिगर इन द अबाउट पैटर्न. क्लियर? बुक में अबाउट दिया, अबाउट दिया, लेकिन यहाँ पर बिलो बिलो दिया हुआ है फिगर्स. तो हमें क्या निकालना, टेबल बनाना है. यहाँ पर देखिए फिगर वन टू थ्री फोर फाइव दिया हुआ है, यहाँ पर टेबल बना दें. लेट्स से एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिगर एंड एल इज इक्वल टू, एल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो एल दिया मैंने एस के लिए, एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैस्टिक, ठीक है? वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव का मतलब वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फिगर, ठीक है? एन की वैल्यू वन फिगर वन के लिए, ठीक है? तो फिगर वन मतलब एन की वैल्यू, एन इज द नंबर ऑफ फिगर, फिगर नंबर वन, सो एन इज इक्वल टू वन, वन एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैस्टिक, मतलब कितने मैस्टिक कितने लिए हैं फिगर वन, वन टू टू है. नाउ फिगर नंबर टू में कितने मैस्टिक हैं, वन टू थ्री फोर फोर. नाउ फिगर नंबर थ्री में कितने मैस्टिक हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो विल लाइट है सिक्स. फिगर नंबर फोर कितने मैस्टिक हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. सो फिगर नंबर फोर एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिगर, नंबर ऑफ फिगर फोर, एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैस्टिक, नंबर ऑफ मैस्टिक एट. फिगर नंबर फाइव, फाइव कितने नंबर ऑफ मैस्टिक हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन नंबर ऑफ मैस्टिक, ठीक है? तो इससे क्या हमें वो निकला, डिस्क्रिप्शन से क्या निकला, इसका हमें ये फॉर्मूला टाइप का कुछ निकला यहाँ पर, एल इज इक्वल टू टू एन. यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू टू है,
टू इंटू टू एन, एन की वैल्यू वन है, टू वन जै टू, तो ये दोनों इक्वल आ गए ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ फोर रखिए, फोर ठीक है, एल की वैल्यू यहाँ फोर रखेंगे, फोर इज इक्वल टू टू इंटू, यहाँ पर देखिए यहाँ फोर एल की वैल्यू, एल की वैल्यू फोर, तो एन की वैल्यू क्या है टू है, एन की वैल्यू टू है ठीक, तो एन की वैल्यू टू लिखेंगे, तो देखिए फोर फोर इक्वल आ रहा है दोनों, फोर यहाँ टू टू जा फोर, सो दिस इज द करेक्ट फॉर्म, एल इज इक्वल टू टू एन। नाउ सी फोर पॉइंट नंबर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, इफ एन डिनोट्स द नंबर ऑफ फिगर्स एंड एल डिनोट्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक, फाइंड एल इन टर्म्स ऑफ एन, मतलब कि एन है नंबर ऑफ फिगर दिया हुआ है, एल हमें डिनोट करना है नंबर ऑफ मैचस्टिक को, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एल इन टर्म्स ऑफ एन, हमें एल फाइंड करना है, तो देखिए क्या होगा, एन की वैल्यू मैंने यहाँ बता रखा, एन की वैल्यू वन है तो एल की वैल्यू टू है, एन इज इक्वल टू फिगर नंबर वन, तो मैस्टिक नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ मैस्टिक वन टू है, एल की वैल्यू टू ठीक है, फिगर नंबर टू एन की वैल्यू टू, कितने नंबर ऑफ मैस्टिक है वन टू थ्री फोर, तो यहाँ फोर है, सिमिलरली इन फिगर नंबर थ्री नंबर ऑफ मैस्टिक सिक्स, फिगर नंबर फोर नंबर ऑफ मैस्टिक एट, फिगर नंबर फाइव नंबर ऑफ मैस्टिक टेन, सो वी कैन राइट दैट एल इज इक्वल टू टू एन, यहाँ देखिए एल की वैल्यू टू है, तो टू इज इक्वल टू टू इंटू वन टू, एल की वैल्यू फोर है तो फोर इज इक्वल टू टू इंटू टू, एल की वैल्यू सिक्स है, सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू थ्री, यहाँ पे एल की वैल्यू फोर है ठीक है, एल की वैल्यू फोर है, फोर इज इक्वल टू टू इंटू टू आना चाहिए, एल की वैल्यू फोर है एन क्या है टू है ठीक है, तो टू इंटू टू फोर, फोर फोर इक्वल आ रहा है ठीक है। अब एल की वैल्यू क्या लीजिए, सिक्स लीजिए, सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू एन ठीक है, एल की वैल्यू सिक्स लिया तो एन की वैल्यू क्या है थ्री है ना, तो टू इंटू थ्री यहाँ देखिए सिक्स आर, तो ये करेक्ट है, इसका मतलब एल इज इक्वल टू टू एन, सो दिस इज द एल मीन्स द नंबर ऑफ मैस्टिक इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ फिगर विच इज एन। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट फोर्थ, व्हाट इज गिवन क्वेश्चन, फाइंड हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द फर्स्ट पॉइंट 12th फिगर एंड 20th फिगर, मतलब कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स हमें लगेंगे 12th फिगर को बनाने में, इसी तरह हमें सीरियल वाइज 12th फिगर अगर बनाएंगे तो देखिए 12th फिगर अगर बनाएंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू टू ठीक है, तो हमें एल फाइंड करना है नंबर ऑफ मैस्टिक, सो एल इज इक्वल टू टू इन टू, ये एन होता है नंबर ऑफ फिगर्स ठीक है, कौन से फिगर हमें फाइंड करना है, कौन से फिगर का 12th, एन की जगह 12th ले देंगे 12 ठीक है, तो 2 इंटू 12 24, सो हाउ मेनी मैस्टिक आर रिक्वायर्ड फॉर द 12th फिगर 24 मैचस्टिक, तो यहाँ पर ये एल इज इक्वल टू 12 हो गया 24 मैचस्टिक्स, 24 मैचस्टिक रिक्वायर्ड फॉर 12th फिगर, यानी कि रिक्वायर्ड फॉर 12th फिगर ठीक है। अब देखिए 20th फिगर के लिए कितने मैस्टिक रिक्वायर्ड है, सिंपल एल इज इक्वल टू टू एन है, एन की जगह क्या लिखना है 20, टू इंटू 20 40 ठीक है, सो द 40 नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड फॉर द 20th फिगर, एल की वैल्यू यहाँ 40 आ गई, क्या लिखेंगे यहाँ पर 40 मैस्टिक रिक्वायर्ड, 40 मैचस्टिक रिक्वायर्ड फॉर 20th फिगर, तो ये आंसर ये फर्स्ट वाले का 24 है, सेकंड वाले का 40,